और सर परीक्षा के दौरान स्थायी कर्मचारी सफाई कर्मचारी बच्चों को चेक करता है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? स्थायी कर्मचारी कराओ तो आपसे बड़े मैं मान लूंगा सर। सारे प्रोटोकॉल तुम ही जानते हो, हम तो नहीं ना, आपने जान तो करो ना प्रोटोकॉल, आप नाम हमारा करेंगे, आप हम कैसे चला रहे बोले जल्दी है ये कैसे दे रहे हैं राम जैसे जल्दी है बोले, आप लोग ही जानते हो। अरे सब हम जानते हैं, फिर आप भी चलोगे आप तो परीक्षा में चला दो, फिर हम तो नहीं करते हैं, चलो आप हमारा हम चलेंगे। तो क्या इनको बच्चों से नफरत है तो भी बोलो। देखो जो पंक्चुअलिटी पे आना है इनको, आप लोग क्लास नहीं ले रहा है या कोई आपका क्लरिकल स्टाफ कोई आपकी 1% जो वेरी फर्स्ट ने भी भेज दी और इन्होंने भी जो भेजन इनके सिवाय हमारे ओर से जो सबसे जहाँ से शुरू होती है जनप्रतिनिधि वो प्रधान है, फिर उसके बाद में MLA फिर MP है, ठीक है ना, ये बात है। तो अब राजनीतिक पहुंच इनको जो करवानी है, मैंने भी किया है फोन किए, मगर अब देखो यहाँ अलग अलग मैं भाई प्रशासन की हैसियत पे आज जो कलेक्टर की लेवल की जो बात है सरकार की ओर से वो मैं पैरोकारी कर सकता हूँ। और जो निजी का कर्मचारी और लिखित में शिकायत हो चुकी है, 1% नहीं सारे बच्चे और कंटिन्यू 3 साल से परेशान है। टीचर कितने दिनों छुट्टी मत, एग्जाम कितने दिनों से है वो भी। मांग संख्या 2, महाविद्यालय में NCC खोलने जाने की कार्रवाई अति शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, थोड़े दिनों बाद प्रारंभ की जाएगी। मांग संख्या 3, BEd पुनः चालू किए जाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मांग संख्या 4 और 5, महाविद्यालय में भूगोल एवं विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाएं संचालित है। ये अरे रो परिवार जी, अलबत्त तारा देवी की फोटो में ठीक रहियो, हटियो आना आना डिप्टी साहब सब ये दर्शन और सभी छात्र हैं, पिछले 5 दिन से कॉलेज के अंदर जो व्यवस्था थी, कॉलेज में स्टाफ कम है और कॉलेज की जो लेबोरेटरी हैं चाहे भूगोल हो, जियोलॉजी की हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, उसमें समय पर लैब का संचालन नहीं हो रहा। समय पर जो शिकायतें मिल रही थी भाई अध्यापक पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, कॉलेज के अंदर जो लैट्रिन बाथरूम में प्रॉपर सुविधा नहीं है, सफाई नहीं है, कॉलेज के अंदर व्हीकल खड़ा करने के लिए स्टैंड नहीं है, ये बहुत सारी समस्या थी। स्टाफ की भी कमी है, BEd कॉलेज जो बंद है उसको वापस चालू करवाना है, PTI जो है फिजिकल टीचर की पोस्टिंग करवानी है और NCC का एक संकाय बनना, ये बहुत सारी मांगे हैं। तो उस मांग में जो भी स्थानीय मांगे थी उसमें हमारे जो उपखंड अधिकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भोपालगढ़ के डिप्टी SP पालीवाल साहब और हम सब ने बैठकर
जो स्थानीय समस्या थी उसके बारे में डिस्कशन किया और सभी छात्रों को बैठ के बात की और एक महीने का समय कॉलेज प्रशासन को दिया कि कॉलेज के अंदर जितनी भी बात जो आज धरना स्थल पर आई है वो एक महीने के बाद में हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया कि एक महीने के अंदर जो कॉलेज के अंदर की जो समस्या है उसका पूरा निस्तारण करें। और रही टीचर्स की पोस्टिंग के लिए, फिजिकल टीचर के लिए, एनसीसी के लिए, इनके लिए मैं विधानसभा में भी मामला उठाऊंगा और कल प्रोग्राम बन रहा है कि जो छात्र संघ के यहाँ के जो विद्यार्थी है वो प्लस शिवखंड जी जयपुर आ रहे हैं, मैं इनके साथ में रहूँगा और चाहे सी एम साहब से मिलना पड़े, चाहे मंत्री जी से मिलना पड़े, इसके लिए जो भी ऊपर से आदेश करवाने हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्टाफ लगे, फिजिकल टीचर भी लगे, एन सी सी विंग भी हो और लेबोरेटरी भी सही तरीके से चले। जब जब छात्र बोला है आवाज दो। सर सब आप थोड़ा एक मिनट पत्रकार थे लार जो मत ही थोड़ा एक फुट ला दीजिए आयो बोलिए थोड़ा एक मिनट पत्रकार थे लार जो जब छात्र बोला है डिप्टी साहब बेटे रेल बनाए लेते दिखाई पास दिखाई देखो भाई अपने सभी बच्चों से विशेष आग्रह इसमें न तो किसी की हार है।